गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम लोग देख रहे हैं टॉपिक प्रकाश परावर्तन एवं अपवर्तन। ठीक है, तो ये चैप्टर 10 का है अपना साइंस। तो परावर्तन और अपवर्तन क्या होता है सबसे पहले देखते हैं। परावर्तन क्या होता है इसका परिभाषा देखते हैं। जब कोई प्रकाश किसी सतह से टकराकर उसी माध्यम में लौट जाता है। ठीक है, जब कोई प्रकाश है जैसे समतल दर्पण है, ये कोई प्रकाश टकरा रही उसी माध्यम में लौट रही, जिसका मतलब प्रकाश का परावर्तन। ठीक है, उसके बाद जिसका नियम क्या होता है, दो नियम होते हैं इसके प्रकाश के परावर्तन के, आपतन कोण व परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। ठीक है, उसके बाद सेकेंड नियम क्या होता है, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तरंग होते हैं। क्या बोल रहे हैं, आपतित किरण परावर्तित किरण व अभिलंब तीनों एक ही तरंग, मतलब ये आपतित किरण परावर्तित किरण ये और ये अभिलंब तीनों क्या है, एक ही तरंग होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद इसके क्या प्रकार देते हैं, क्या होता है प्रकाश के परावर्तन के दो प्रकार होते हैं, एक है नियमित और दूसरा अनियमित। ठीक है, तो नियमित में क्या होता है, जब कोई प्रकाश क्या माध्यम में टकराने के बाद एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परावर्तन होती है, तो उसको क्या बोलेंगे, नियमित परावर्तन। और उसके जस्ट अपोजिट क्या है, अनियमित परावर्तन। इसमें क्या होगा, विभिन्न दिशाओं में असमांतर बिखर जाते हैं, मतलब इसमें क्या हो रहा है, एक दूसरे के समांतर एक निश्चित दिशा में परावर्तित होगी, तो इसको बोलेंगे नियमित परावर्तन। ठीक है, और अनियमित में क्या होगा, जब टकराने के बाद असमांतर दिशा में फैल जाएगी, उसको बोलेंगे अनियमित परावर्तन। तो डायग्राम में देखिए, ये दर्पण है, ये किसी तल पर आप प्रकाश किरण आपतित हो रहा है, इस बिंदु पर एक कोण है और ये इधर परावर्तित हो रही है, इस कोण पे जो बन रहा है कोण अभिलंब है, और ये आपतित और अभिलंब के मध्य बनने वाले कोण को आपतन कोण, और अभिलंब और परावर्तित किरण के मध्य बनने वाले कोण को क्या बोलेंगे, परावर्तन कोण। ठीक है, इसके बाद